हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं उड़द दाल के पकोड़े की सब्जी। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। उड़द दाल की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें उड़द दाल को रात भर भिगो के रखना है। अब हमें उड़द दाल को मिक्सर में पीस लेना है। ये उड़द दाल हमने अच्छे तरीके से पीस ली है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और नमक स्वाद के अनुसार। इसमें हम बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता भी ऐड कर लेते हैं। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब हम करी बनाना शुरू करते हैं। तो करी बनाने के लिए हमने लिए है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच गरम मसाला, 1 कटा हुआ प्याज और 1 कटा हुआ टमाटर। सबसे पहले हम तेल को गरम कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज अच्छे से पकने के बाद हम इसमें मिलाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। इसी के साथ हम अभी सूखा मसाला भी ऐड कर लेते हैं। हमने लिया है 1/4 चम्मच हल्दी। दो चम्मच के करीब हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे। और नमक स्वाद के अनुसार। इसी के साथ हम इसमें थोड़े से करी लीव्स भी डाल देंगे। अब इसे हमें अच्छे से पका लेना है जब तक के टमाटर गल ना जाए। करी बनाने के लिए हमने इसमें 1 बड़ा कप पानी इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। करी में उबाल आने के बाद हमें इसमें वड़े ऐड कर लेना है। वड़े बनाने के लिए पहले हम हाथों में पानी लगा लेंगे और इसके गोल शेप के वड़े बना लेंगे। ऐसे ही सारे वड़े हमने ऐड कर लिए हैं। अब हम इसे पकने देना है। अब हम इसमें मिलाएंगे धनिया पत्ता और ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी है।